हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो रोज़ाना व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज उनको जानने को मिलेंगे 20 ऐसे नए कमाल के फीचर्स जो वो ऐड ऑन कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को देखते देखते कर दीजिए लाइक। तो आइए आज की वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और उस घंटे को भी दबा दो, ठीक है। तो दोस्तों एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन में आपको 20 से भी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं जिन्हें आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला जो है वो है स्टेटस सेवर। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अपने व्हाट्सएप पर जाके अपने दोस्त लोगों का जिनका भी आप स्टेटस देखोगे, चाहे वो फोटो हो या वीडियो हो, उनको फिर आप इस एप्लीकेशन में आने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले फीचर की जिसका नाम है डायरेक्ट चैट। मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को किसी का भी कॉन्टैक्ट सेव करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर मैसेज टाइप करना है और नंबर टाइप करना है और आप उस बंदे को कुछ भी सेंड कर सकते हो। यहाँ पर कंट्री भी है, इंटरनेशनल भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन दिखेगा सर्च प्रोफाइल ऑन व्हाट्सएप। मतलब कि जैसे ट्रूकॉलर में आप किसी भी प्रोफाइल को सर्च कर लेते हो, उसी तरीके से यहाँ पर आप किसी का भी नंबर डाल के उसकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको कंट्री कोड मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है व्हाट्सएप अपडेट का, जहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि आप जिस व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हो वो अपडेटेड वर्जन है या फिर पुराना हो चुका है। तो उस तरीके से आप फिर अपना व्हाट्सएप को अपडेट भी कर सकते हो। उसके बाद फॉरवर्ड ऑल का एक और ऑप्शन फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप एक मैसेज को एक बार टाइप करके सभी को भेज सकते हो। जैसे कि अभी होली आ रही है तो आपको बार बार हैप्पी होली सबको अलग अलग भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार टाइप करिए और यहाँ पर आप लोगों को नीचे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट्स को। जिन भी कॉन्टैक्ट्स को आप टिक करोगे उन सभी को एक साथ में मैसेज चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्विक रिप्लाई का एक फीचर देखने को मिलेगा, जहाँ पर अगर आपको कोई भी किसी टाइप का मैसेज भेजता है तो आपको उस चीज़ को बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिफ़ॉल्ट मैसेज सेट कर सकते हो ताकि वो ऑटो रिप्लाई अपने आप चला जाए। तो इस तरीके से क्विक रिप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कैप्शन स्टेटस का एक फीचर दिया हुआ है, जहाँ पर अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं कैप्शन क्या डालूं, चाहे फिर वो फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, व्हाट्सएप पर स्टोरीज डालते हो, तो यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरीज बनी हुई हैं लव, सैड, रोमांटिक, ऐसे करके आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगे, जहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे कैप्शन आप लोगों को नजर आएंगे जिन्हें आप कॉपी कर सकते हो और डायरेक्टली आप यहां पर शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों को। और यहां पर आप लोगों को स्टोरीज स्टेटस का भी एक और फीचर मिलता है, जहां पर आपको स्टोरीज से रिलेटेड स्टेटस भी मिल जाते हैं, फोटो वगैरह यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे हम क्लिक करते हैं स्टोरीज स्टेटस पर, तो यहां पर आपको इमेजेस बहुत सारी मिलेंगी। मतलब कैटेगरीज दी हुई है, मान लीजिए अगर कहीं घूमने गए हैं, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, ऐसे करके यहां पर आप लोगों को काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरीज दिख जाती हैं जिन्हें आप सेलेक्ट करके फोटो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर फोटो लोड नहीं हो रही क्योंकि मेरा नेट बहुत स्लो है। उसके बाद फनी टेक्स्ट मैसेज का भी एक फीचर दिया हुआ है, जहां पर आप एक ही टेक्स्ट को स्टाइलिश वे में लिख सकते हो, उन्हें उल्टा लिख सकते हो या फिर आप ब्लैंक मैसेज सेट कर सकते हो और टेक्स्ट रिपीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कि एक ही मैसेज को 100 times भेज सकते हो, जिससे सामने वाले का फोन हैंग हो जाएगा, परेशान हो जाएगा वो, तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये जो फ्लिप टेक्स्ट है इसे हम यहाँ पर आपको सेंड करके दिखा देते हैं किसी को भी, तो आप इस तरीके से स्टाइलिश फॉन्ट और इस तरीके से आप लोग दोस्तों को सेंड कर सकते हो। तो उसके बाद चलते हैं अगले फीचर की तरफ, जो कि है व्हाट्सएप न्यू फीचर्स। तो उसके बारे में आप यहाँ पर पहले से अपडेटेड ले सकते हो, अपडेट्स ले सकते हो। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिखेगा ट्रेंडिंग पोस्ट का, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड जो भी व्हाट्सएप पर पोस्ट जो ट्रेंड में आ रही हैं, वीडियोस वगैरह, वो सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा नेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इस वजह से यहाँ पर लोडिंग नहीं हो पा रही है, अदरवाइज़ ये पूरा अच्छे से काम करता है। यहाँ पर आप लोगों को GIFs के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर कैटेगरीज बनी हुई हैं, जिसके थ्रू आपको इजी पड़ेगा अगर आपका कोई भी इमोशन आप अपने दोस्त को सेंड करना चाहते हो तो इजीली आप उन पर क्लिक करके वहाँ तक पहुँच सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को अगर किसी को विश करना है बर्थडे विश, तो एनिमेटेड टेक्स्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो आप जिसके थ्रू हैप्पी होली विश कर सकते हो यहाँ पर टाइप करके। सब कुछ यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो और यहीं से उठा के शेयर भी कर सकते हो। अगेन यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज ऊपर नज़र आएंगी। उसके बाद बात करते हैं अगले फीचर की, जो कि है व्हाट्सएप स्टिकर्स, जिनके लिए आप अलग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हो, फिर स्टिकर पैक्स का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे स्टिकर पैक्स इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे विद डायलॉग्स,
कॉमेडी, तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग जो है कैटेगरीज बनी हुई नज़र आएगी। तो जिन भी कैटेगरी जैसे आप फन, लव, रिलेशनशिप, इन जितने भी आप लोग अलग अलग टाइप के स्टिकर्स चाहते हैं वो सभी कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप खुद का स्टिकर क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी इस एप्लीकेशन में एडिटर है, जहाँ पर आप अपनी फ़ोटो के साथ या फिर किसी और की फ़ोटो के साथ अलग अलग टाइप के स्टिकर्स खुद बना सकते हो और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो यही से दोस्तों कुछ अपने फीचर, और इसको आप हिंदी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। कमाल की एप्लीकेशन है, मैं तो कहूँगा आप लोग एक बार जरूर से इस एप्लीकेशन को ट्राई करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।